हम बहुत कुछ बहुत बड़े बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि इस दीपावली विशेषकर 2 तारीख को एक काम छोटा सा कर लें। याद रख लीजिएगा, 7 अनाज और 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार के फल, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो उसको उन लोगों को बांट दे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। 1 को बांट दे, 4 को बांट दे, 10 को बांट दे, 100 को बांट दे, ये आप पर निर्भर करता है। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उस अनुसार उनको बांटे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। ये 2 तारीख को अवश्य करें। बहुत सारे लोग बीमार हैं, वह 3 तारीख को सूर्यास्त होने के उपरांत एक फैसला ले। फैसला मेरे जैसे व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। फैसला ये ले कि अपने वजन के बराबर अनाज दान कर दें। पतले लोगों के लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, लेकिन ये जरूर कर दें वह लोग जो बीमार हैं। और दूसरा काम जो अभी मुझे राजेश भैया को देखकर याद आया, हंसने हंसाने का काम शुरू कर दें। हंसी आपको चिरयुवा रखती है। चेहरे पर यदि मुस्कुराहट खेले, घर में यदि आपस में कोशिश करें अगर हंसी खुशी का वातावरण हो तो लक्ष्मी स्वयं आती है। लक्ष्मी को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। हम हिंदू लोग, मैं अक्सर कभी नाराजगी में बात कह देता हूं, हिंदूपन मत दिखाया। हर चीज नोटों से नहीं होती है। बहुत कुछ और भी जिंदगी में चाहिए होता है, और ये कोरोना ने दिखा दिया है। नोट धरे के धरे रह गए, घरों से लाशों की लाशें निकल गई, कुछ नहीं कर पाया कोई। पूरी दुनिया में आज एक विचार चल रहा है भारतीयता का, और भारत में इस विचार से हम परे जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो 20 वर्ष या 30 वर्ष हमारी पीढ़ी भटक कर, रो कर, सिर पीट कर वापस उसी भारतीयता पर आए, और तब तक उसकी आधी जिंदगी निकल चुकी हो। इसलिए भारतीयता को बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसके विचार को बिल्कुल मत छोड़िएगा। लक्ष्मी का अर्थ घर ताली बजाइए, अच्छा लग रहा है। वैसे भी आप लोग ताली बजाते रहेंगे तो हलवाइयों को संतोष रहेगा कि भीड़ आने में भी देर है। देखिए, किसी शास्त्र के अनुसार, ये मैं बहुत स्पष्टतः आपको बता रहा हूं, किसी भी शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी का अर्थ धन नहीं रहा। हम अपने देवी देवताओं का कद बहुत छोटा कर देते हैं। ऐसा करने से बचे। नोट का लक्ष्मी से कोई अर्थ नहीं है। मां लक्ष्मी का अर्थ है सुख शांति से। बहुत सारे धन्ना सेठ हैं जो कभी धन्ना सेठ नहीं थे, पैसा कमाया इस आस में कि जब धन्ना सेठ हो जाएंगे तो खूब खाएंगे, और जब धन्ना सेठ हो गए अब कुछ खा नहीं सकते। तनाव ने खान पान की शक्ति छीन ली, और एक समय ऐसा आया कि तनाव की वजह से खान पान की इच्छा ही खत्म हो गई। घर में यदि नोट है तो जरूरी नहीं कि सुख और शांति दोनों हो। सुख और शांति का धन से सीधा संबंध नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि संपदा भी बढ़े,
संपदा बढ़ाना कोई पाप नहीं है, संपदा भी बढ़े लेकिन संपदा के साथ सुख शांति स्वच्छता भी बढ़े, क्योंकि स्वच्छता में लक्ष्मी का वास कहा गया है और अस्वच्छता में दरिद्रा जो उनकी बहन बताई जाती है उनका वास कहा गया है।